नमस्कार, सीएमएन पर खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले का बदला इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से 12 दिनों के बाद ले लिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक का देश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया है। पाकिस्तान पर हमले के बाद देश की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली है। लोग मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं, साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से मंगलवार अल सुबह पाकिस्तान की सीमा में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई से देश की जनता खुश है और लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए पटाखे फोड़े। लोगों ने तिरंगा लहराकर भारतीय सेना के समर्थन में भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरे देश में जश्न का माहौल है। आइए आपको बताते हैं कि कहां किस तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में पुलवामा आतंकी हमले के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा था। वहीं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी जा रही थी। वहीं जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम जन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने दिल खोलकर आर्थिक सहयोग भी दिया है। लेकिन मंगलवार तड़के वायुसेना की ओर से किए गए हमले के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। अमरोहा में भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड में खुशी छा गई। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के विधानसभा अध्यक्ष अंकित यादव और उनके साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए गए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के विधानसभा अध्यक्ष अंकित यादव ने कहा कि भारत के द्वारा की गई एयर सर्जिकल स्ट्राइक देश के शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि है, इसकी जितनी खुशी मनाई जाए कम है। अंकित यादव ने कहा कि सेना के इस पराक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज जो भारत ने पाकिस्तान पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद क्या यहाँ पे माहौल है? हिंदुस्तान की सेना ने जो ये हमला किया है, इसके लिए हर हिंदुस्तानी बहुत खुश है। हर हिंदुस्तानी, जब से 14 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला हुआ था, हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा था कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हमला करे और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया जाए। और असल मायने में आज ये शहादत कामयाब हुई है। जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनका बदला लेकर जो भारतीय सेना ने काम किया है, वो बहुत ही खुशी का है और इससे हिंदुस्तान का हर नागरिक बहुत खुश है। और जो ये हमला हुआ है, इस हमले को लेकर आज भारतीय नागरिक बहुत खुश है। भारतीय वायुसेना के आक्रमण के बाद भारत के युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जनपद शामली के युवाओं ने कस्बे और बाजारों की मुख्य सड़कों के शौर्य रैली निकालते हुए जमकर पटाखे फोड़े और ढोल की थाप की नाच अपनी खुशी का इजहार किया। रैली में शामिल युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत द्वारा आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई को लेकर युवा खासे जोश में नजर आ रहे हैं। बलिदान देना पड़े लेकिन आतंकवादियों का सफाया, भारत के साथ साथ जो भारत में है वो तो आई है, लेकिन एक मिशन है कि पूरी दुनिया से ही आतंकवाद का खात्मा करके छोड़ेंगे, ऐसे हमारे मोदी जी का सपना है। और साथियों, वहीं हरियाणा के भिवानी में भी भारतीय सेना की कार्रवाई का जश्न मनाया गया और पुलवामा के शहीदों को याद कर देश की सेना को सलाम किया गया। इस अवसर पर देश की 3 लड़ाई लड़ चुके पूर्व सैनिक मेजर रति राम ने कहा कि यह बड़ी रणनीति के साथ सेना ने पीओके पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष पहले ही हो जाना था, ये शत्रु को शत्रु की भाषा में ही जवाब देना चाहिए, इस बार सेना ने कर दिखाया। वहीं महंत चरणदास ने कहा कि देश की यही मांग थी कि कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना ने पुलवामा का बदला लिया है। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए समाजसेवी भावना गोयल ने कहा कि देश की वायु सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है और यह शहीदों को बड़ी श्रद्धांजलि है। भारत ने कार्रवाई पुलवामा आतंकी हमले के बाद की है। बता दें कि बीती 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से देश की जनता खून का बदला खून से लेने की मांग देश की सरकार से कर रही थी,
लेकिन जिस तरीके से कल पीएम मोदी और भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की उसे देखकर यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना देश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। टीम सीएमएन सर्जिकल टू की है जो सेना ने बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान पे, क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई, सेना को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सैनिकों के ऊपर इस प्रकार का जो प्रहार हुआ था, एक घातक हमला हुआ था, उस उन्होंने सैनिकों ने अपना हमारा बदला ले लिया है और ये शहीदों के परिवारों को भी इस बात की थोड़ी बहुत जरूर ये अंदर ये रहेगा कि हमारा जो बदला लिया गया लेना था ले लिया, तो इसके लिए सेना इस बात की एक बार प्रबल दावेदार है, उनका धन्यवाद भी होना चाहिए। और पूरे देश की इस प्रकार की मांग थी, सब लोग ये चाह रहे थे इस प्रकार से कुछ न कुछ बदले की कार्रवाई हो और उसमें इस प्रकार से उनको भी उसका हानि उठानी पड़े। हाँ, तो आतंकवादी तो हमेशा किसी न किसी माध्यम से हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसे एक अच्छी कोशिश की है हमारे सेना ने। सुबह सुबह 3:30 बजे जो ये अटैक किया है और 200 से 300 करीब हमारे जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो एक खुशी की बात है। हाँ जी, 200 से 300 करीब जो आतंकवादी मारे गए हैं उसमें पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे सेना ने बहुत अच्छा काम किया। सर्जिकल टू जो किया गया है, क्या कहना चाहिए? सर्जिकल टू आज जो वायुसेना ने किया है, हमारी सेना ने जो हमारे पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला लिया है, हम उसका तहे दिल से सेना का स्वागत करते हैं और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है हमारे लिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारे को, हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को परेशान कर रखा था। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, मैं बहुत इनका सेना का बहुत ही बड़ा एहसान बंद हूँ जिन्होंने आज ही इतना बड़ा ये हमला किया है। जैसा कि सभी जानते हैं पुलवामा का जो कांड हुआ था और जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत को आज 12 दिन हो गए हैं और आज हम और हमारे सभी अध्यापक और विद्यार्थी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और ये और भी हमें खुशी की बात लगती है कि आज ही के दिन हमारी जो वायुसेना है उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान पर जो हमला किया है और उसमें हमें एक कहीं ना कहीं सुकून मिला है और हम ये सोच सकते हैं कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी इस बात से शांति मिली। फिलहाल आज के लिए खास खबर में इतना ही, लेकिन तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। तब तक के लिए नमस्कार।